ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू वायरल फेक ट्वीट रील वीडियो एडिटिंग। जैसे गाइस आप सभी को पता है इंस्टाग्राम पे इस टाइप की वीडियोस बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही, तो गाइस मैंने सोचा कि ना आप सभी के लिए इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं यही सिखाने वाला हूं, तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस जल्दी से आप लोग जो अपने फोन को रोटेट कर लो ताकि जो है गाइस आपको सारे ऑप्शन एकदम ध्यान से दिखें। तो आपको यहाँ पे करना क्या है गाइस, आपको सिंपली से पहले प्ले स्टोर ऐप में जाना है एंड प्ले स्टोर ऐप में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है फेक ट्वीट। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे मतलब कि टाइप करोगे तो आपके सामने एक ऐप आएगा। तो पहला ऐप होगा गाइस, आपको सिंपली इसको ओपन करना है, उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब तक इंस्टॉल हो रहा है गाइस जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको ऐसे ही ट्रेंडिंग रील के ऊपर वीडियो मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है, अब ओपन करेंगे इसको हम। एंड ओपन करने के बाद जो आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे मतलब कि ये कुछ मतलब कि परमिशन मांगे आपको अलाउ कर देना है। एंड आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्रिएट ट्वीट के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको यहाँ पे जो नेम वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपका जो भी नेम है वो टाइप करना है। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को करना क्या, पहले यहाँ पे अपने चैनल का जो भी नेम है आपको उसको टाइप कर लेना है। ठीक है, एंड जो यूज़र नेम है इसमें भी सेम आपको वैसे नेम टाइप करना है। जैसे गाइस आपको इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा जो आपको एक यूज़र नेम होता है और एक आपको एक नेम दिया होता है जिसमें आपको अपना कंप्लीट नेम लिखना होता है, तो उस टाइप से आपको यहाँ पर नेम लिखना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो मतलब कि आपको अपना कैप्शन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप अपना कैप्शन लिखना चाहो लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, मैं तो उसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे चाहो तो अपनी फोटोज़ को भी आप चेंज कर सकते हो, जो यहाँ पे जो मतलब कि क्या कहते हैं ये जो भी बर्ड है ये उसको आप चेंज कर सकते हो। तो बाकी मैं इसको डार्क मोड कर लेता हूँ अभी। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करके, एंड बाकी भी मैं फोटोज़ नहीं लगा रहा हूँ बट आप लोग चाहो तो लगा सकते हो फोटोज़। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सेव कर लूँगा एंड इसके बाद मैं गैलरी में जाऊँगा। एंड गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको कर लूँगा मैं थोड़ा सा क्रॉप। ठीक है, मतलब थोड़ा सा नहीं, मतलब कि जितना मुझे चाहिए सिर्फ मैं उतना ही क्रॉप करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। तो इतना परफेक्ट है, मैंने इतना क्रॉप कर लिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो है वीएन एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। एंड वीएन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है मतलब कि आपको तो यहाँ पे मतलब यहाँ से आगे तक बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता ही होगा क्या करना होता है। आपको सिंपली हमें वीडियो को इंपोर्ट करना है। एंड इंपोर्ट कर लेने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको ये राइट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड फोटो का जो ऑप्शन है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ से फोटो वाले ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ से आपको फोटो को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आप जहाँ मर्जी लगाना चाहो आप वहाँ लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको देख लेना है, यहाँ पे मैं इस टाइप से मैं यहाँ लगा लेता हूँ। एंड इसका जो लेंथ है हम बिल्कुल एकदम पूरी वीडियो में रखेंगे एंड लास्ट का जो वाटर मार्क है इसको डिलीट कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे गाइस। ठीक है, अगर इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे तो ही मतलब कि थोड़ा रियलिस्टिक सा लगेगा। तो बाकी जो गाइस पीछे की जो वीडियो दिख रही है गाइस वो पहले से एडिट है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो ब्लेंडिंग मोड है मैं यहाँ पे रखूँगा, इसको मैं स्क्रीन भी रख सकता हूँ गाइस। ठीक है, बट यार आगे जो है ना वीडियो ब्लैक है तो उसमें जो है ढंग से नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये डिफरेंस वाला रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना अपने हिसाब से, अपने वीडियो के हिसाब से आपका ब्लेंडिंग मोड रखना है। तो मैं यार यहाँ पे वीडियो को जिस टाइप से प्ले होगी एंड यहाँ से इस तरीके से दिखेगी। तो गाइस जो पीछे जो वीडियो चल रही है इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, तो वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।